हेलो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ओके व्हाट इज रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन क्या है रिप्रोडक्शन इज प्रोड्यूसिंग सेम इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड यानी इसमें क्या होता है कि हर स्पीशी क्या करते हैं सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं तो इसको क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं और मोस्टली ये जो रिप्रोडक्शन में चेंजेस वगैरह आती हैं जिस तरह डिफ्रेंशिएशन होता है हम एक दूसरे को डिफ्रेंशियट करते हैं तो ये किस बेस पे होता है कि जब मोस्टली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है जिसमें क्या होता है कि मेटिंग होती है मेल एंड फीमेल के दरमियान में तो इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होती है इंक्रीज होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिफ्रेंसीशन है वो इंक्रीज हो जाता है तो जो रिप्रोडक्शन है ये पेड़ हमारे पास टू टाइप्स का हो जाता है एसेक् रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अच्छा फर्स्ट जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो है ये क्या होता है कि इसमें यूजेज ओनली वन सोर्स ऑफ डीएनए के इसमें जो है Uh, यानी जिस तरह सेक्सुअल में पेरेंट्स से और मदर से जो है वो क्या होता है जेनेटिक मटेरियल आके वो कंबाइन होता है तो इसमें इस तरह नहीं होता बल्कि एक ही सेल जो है वो डिवाइड होता है तो इस वजह से इसमें क्या होता है कि ये यूजेस ओनली वन सोर्स ऑफ डीएनए यानी एक ही सेल डिवाइड होता है माइटोटिकली या बाइनरी रिफेन तो इस वजह से जो है इसको क्या कहते हैं एसेक्सुअल uh, रिप्रोडक्शन कहते हैं और इसमें जो होते हैं, वो होते हैं parents, अपने की तरह का ही होते हैं। अच्छा, इसमें फर्तर जो है, इसके हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं जिसमें अः बैन रिफेशन है तो बैन रिफेशन में क्या होता है जिस तरह ये अमेबा या पेरामेशियम जो है उसमें बैन रिफेशन होता है या बैक्टीरिया में होता है तो इसमें एक सेल जो है वो टू में डिवाइड हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं कहते हैं कि इसमें एक सेल जो है वो टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है इस तरह जो है फिर हर सेल जिस तरह टू सेल्स या फोर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं तो बाइनरी मीन्स टू तो टू में जो है सेल्स की क्या होती है डिवीजन होती है सेकंड टाइप जो है वो पेड़ बडिंग है जिस तरह आप लोग हाइड्रा में ऑब्जर्व करते हैं तो हाइड है जो बडिंग है इसमें क्या होता है कि एक जो फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है ना उसकी बॉडी से जो है वो एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाता है और वो आउटग्रोथ जो है वो पेड़ क्या करता है ग्रो करता है डेवलप हो जाता है और जब मेच्योर हो जाता है तो फिर ये क्या होता है डिटैच uh, हो जाता है पेरेंटल बॉडी से तो इस तरह जो है फिर अलग से वो एक जो है लाइक पेरेंटल सेल या ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है तो इसको क्या कहते हैं बडिंग कहते हैं अच्छा इसके अलावा जो है थर्ड टाइप पर फ्रेगमेंटेशन होती है फ्रेगमेंटेशन में यह होता है कि इसकी बॉडी फॉर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिस तरह प्लेनेरियंस हैं जिसमें जो वर्म्स हैं या हाइड्रा हैं या स्टार फिश है तो इनकी बॉडी फॉर एम्पल अगर कट कर दें एक्सीडेंटली uh, कट हो जाए या फॉर एम्पल उसको कट कर दें तो ये पेर जो है इंडिविजुअल फ्रेगमेंट जो है पर न्यू बॉडी में क्या होते हैं सिंथेसाइज कर देते हैं यानी न्यू ऑर्गेनिजम्स को वो फ्रेगमेंट जो है न्यू ऑर्गेनिजम को सिंथेसाइज कर देते हैं जिस तरह हाइड्रा है या प्लेनेरियन है या इवन स्टारफिश को देखें कि अगर इसकी बॉडी से कोई फ्रेगमेंट डिटेच हो जाता है तो फिर वो क्या होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं फ्रेग्मेंटेशन कहते हैं फोर्थ टाइप जो है वो पेर रीजनरेशन है जिस तरह आप लोग लेजर्स वगैरह में देखते हैं ना तो इसकी जो है फॉर्मल टेल कट कट हो जाती है तो दोबारा से जो है वो रीजनरेट कर देता है ठीक है यानी इसको पार्शियल फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं कि क्या करते हैं कि ये अगर इसका कोई पार्ट जो है जिस तरह टेल है वो कट कट जाए तो फिर वो क्या कर देता है रीजनरेट कर देता है इनटू कंप्लीट टेल तो ये रीजनरेशन है अच्छा इसके बाद जो है फिर ए सिक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन में पार्थिनोजेनेसिस भी आता है और पार्थिनोजेनेसिस जो है ये पार्थिनो मींस पार्थिनस मींस वर्जिन तो इसमें क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है ना वो क्या होता है विदाउट मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गिमीट्स यानी मेल और फीमेल गिमीट्स जो है इसमें आपस में नहीं मिलते और क्या होता है कि जो फीमेल बॉडी है उसमें म्योसिस के थ्रू जो है क्या होता है कि जिस तरह हेप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस है या डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस है तो हेप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस में जो मदर सेल है उससे क्या होता है कि ओसाइट जो है वो म्योसिस के थ्रू डेवलप हो जाता है और इसमें जो है yeah, हेप्लाइड है, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो जायगोड बनता है वो क्या होता है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे मुश्तमिल होता है इसके अलावा जो डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस है इसमें क्या होता है कि ऑटोमिक्सिस और एपोमिक्सिस ये टू टाइप्स का होता है तो ऑटोमिक्सिस में क्या होता है कि जो हेप्लाइड ओसाइट डेवलप हो जाता है फिर वो क्या होता है कि आ, वो आ, क्या कर देता है कि आ, अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर देता है या टू जो साइट है वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और इस तरह ये क्या कर देते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आ, रिस्टोर कर लेते हैं इस तरह ये जयगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है और जो एपोमिक्सिस है इसमें क्या होता है कि जो आ, फीमेल का जो मदर सेल है वो क्या होता है, कि से होती है और वैसे ही बरकरार रहता है अब कुछ जो है इनवर्टिब्रेड भी हैं और इवन कुछ वर्टिब्रेड्स भी हैं जिसमें पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें बीज हैं वेब्स एंट्स एफ रोटीफर्स ये इन वर्टिब्रेड्स है जिसमें क्या होता है कि पार्थिनोजेनिस होता है इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेड में हैं जिस तरह कोमोडो ड्रैगन है यामर हेड शार्क है इसमें भी क्या होता है पार्थिनोजेनिस का अमल होता है और मोस्टली कहते हैं कि अब जब शार्क्स में हम इसको सेपरेट रखते हैं मेल से तो इस फीमेल में फिर क्या होता है पार्थिनोजेनिस के थ्रू जो है वो ऑस्प्रिंग्स डिवेलप होते हैं अच्छा नेक्स्ट टाइप जो है वो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गिमीड्स जो है वो आपस में मिल के क्या बनाते हैं जयगोट को बनाते हैं और जयगोट फिर फर्दर एम्ब्रियो और फिर कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज हो जाते हैं अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो है ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिसमें क्या होता है या फीमेल ओसाइट है वो पेड़ फर्दर जो है म्योटिक डिवीजन से पास होती है अब जब वो म्योटिक डिवीजन से पास होती है तो उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं और एट द एंड क्या होता है कि मेच्योर ओवम प्रोड्यूस हो जाता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसके साथ जो है पोलर बॉडीज भी डिवेलप होती हैं कि क्या होते हैं वो फिर uh, ओवम का फंक्शन परफॉर्म नहीं करती क्योंकि जो है उसमें वो प्रॉपर्टीज uh, या वो क्रोमो जो हेप्लाइड uh, हैं वो उसके अंदर मौजूद नहीं होते ठीक है तो इसके अलावा जो है पेर परमेटोजेनिस होता है ये मेल में होता है जिसमें क्या होता है स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं अब इसमें भी जो है मियोसिस के थ्रू फर्स्ट मियोसिस और सेकंड मियोसिस के थ्रू जो है क्या होता है फोर uh, स्पर्मेटोसोआ प्रोड्यूस होते हैं तो इस तरह जो है ये फिर क्या करते हैं जब मिच्योर स्पर्म uh, प्रोड्यूस हो जाते हैं तो आगे ये ओ के साथ मिल उसको क्या करते हैं फर्टिलाइज कर देते हैं अच्छा अब स्पर्म जो है फॉर एग्जाम्पल जो मेल और फीमेल जो है गिमीट्स बन जाते हैं तो मेल गिमीट जो स्पर्म कहलाता है और फीमेल गिमीट जो ओम कहलाता है ये क्या होते हैं आपस में फिर कंबाइन होते हैं जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है कंबाइन होते हैं आपस में तो ये फिर क्या बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं जिसमें कंप्लीट नंबर ऑफ या टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं अच्छा फर्टिलाइजेशन जो है ये हमारे पास टू टाइप्स का होता है एक को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरे को क्या कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसको इंटरनल क्यों कहते हैं इसको इंटरनल इस वजह से कहते हैं कि ये इनसाइड द बॉडी जो है टेक्स प्लेस होता है यानी अकर्ड होता है जिस तरह आप लोग ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है कि स्पर्म जाता है और इन ये आर्गनपियन ट्यूब्स में क्या कर देता है एक को फर्टिलाइज कर देता है यानी द बॉडी ये प्रोसेस होता है तो इस वजह से इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं या इवन अगर हम प्लांट्स को देखें तो ये जो फ्लावर्स हैं इसमें क्या होता है के जो फॉर एग्जांपल कार्पल होता है जिसमें क्या होता है कि कि ओवरी मौजूद मौजूद होती है 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 में क्या होता है जो, uh, होता है, वो होता जो वो तो अब ऊपर से जो है फिर क्या होता है कि uh, uh, जब पोलग्रेन्स आते हैं और इन साइड जो है वो क्या कर देते हैं इस ओम को फर्टिलाइज कर देते हैं इन साइड द फ्लावर बॉडी ही इसको ये फर्टिलाइज कर देते हैं ना तो इस इस बेस पे को क्या कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं अच्छा इसके अलावा जो है फिर हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म जो है वो क्या होते हैं ये आउटसाइड द बॉडी जो है वो क्या करते हैं ओवम को फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज कर देते हैं जिस तरह हम ये प्रोसेस जो है जिस तरह टोर्स या फ्रॉग्स वगैरह हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि वो जो फीमेल है वो आउटसाइड द बॉडी जो है वो क्या करते हैं अपने जो है वो एग्स को डिपॉजिट कर देते हैं और मेल क्या कर देते हैं फिर उस पर स्पर्म क्या करता है डिपॉजिट कर देता है तो मोस्टली ये वाटर में प्रोसेस होता है क्योंकि वाटर में इजीली स्पर्म जो है वो मूवमेंट करते हैं और एग्स को क्या कर देते हैं फर्टिलाइज कर देते हैं तो इस तरह ये फर्टिलाइजेशन की हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इन साइड द बॉडी जो है वो स्पर्म एक को फर्टिलाइज कर देते हैं जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आउटसाइड द बॉडी जो है वो क्या कर देते हैं स्पर्म ओवम को आ, वो फर्टिलाइज कर देते हैं अच्छा नेक्स्ट जो है वो फिर वो जब फर्मपल फर्टिलाइजेशन होती है बन जाता है तो फर्दर डेवलप होता है डेवलपमेंटल स्टेजेस से पास होता है और ये ब्लास्टूला में कन्वर्ट हो जाता है यानी पहले टू सेल्स फिर फोर सेल्स इस तरह एट सेल्स और इस तरह जो है फिर मास ऑफ सेल्स बनता रहता है मुरूला बन जाता है और मुरूला जो है फिर फर्दर ब्लास्टूला में डिवेलप हो जाता है और ब्लास्टूला जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि ब्लास्टोडरम होता है जिसमें लेयर ऑफ सेल जो है इसको कवर कर देता है और इनसाइड ब्लास्टुला ब्लास्टूला जो है ये ब्लास्टोसील मौजूद होता है एक्टिविटी होती है ठीक है तो ये एक स्ट्रक्चर डिवेलप हो जाता है अब फर्दर ये जो ब्लास्टूला है ये ब्लास्टोसिस्ट में भी डिवेलप होता है अब ब्लास्टोसिस में आप लोग देखें कि ये जो है ब्लास्टोसील भी मौजूद होता है और क्या होता है एक एक्सटर्नल एक जो है जो लेयर ऑफ सेल्स होता है जिसको ट्रोफो ब्लास्ट भी कहते हैं और इसके अलावा जो है एक इंटर इनर सेल मास भी मौजूद होता है और ये जो इनर सेल मास है ये पर फर्दर जो है एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है यानी इनसे क्या होता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है अब जो अः ब्लास्टूला है ये गेस्टूला स्टेज में एंटर होता है और ग्रेस्ट जो गिस्टूला है गेस्टूला ये फिर क्या होता है कि इसमें जो है लेयर्स जो है वो फोल्ड हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं थ्री लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अब वो थ्री लेयर्स क्या कहलाते हैं एक्टोडर्म कहलाता है मिजोडरम कहलाता है और एंटोडरम कहलाता है ठीक है तो ये थ्री लेयर्स जो है इसको जर्म लेयर्स भी कहते हैं क्योंकि आगे जो है इससे ऑर्गन सिस्टम ने डेवलप होना है तो ये थ्री जो हैं और जो है, ये मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज को बनाते हैं और एंडोडर्म जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम या दूसरे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको क्या क्या करते हैं ये बनाते हैं यानी इनसे डिवेलप होते हैं और फिर आगे जो है इधर आर्गेनोजेनेसिस भी होता है अब आर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है कि आर्गन जो है वो सेंथिस होते हैं जिस तरह हमने जिक्र किया पीछे के जो जर्म लेयर्स हैं एक्टोडर्म मीजोडरम या एंडोडर्म वो क्या होते हैं फिर फर्दर जो है डिफ्रेंट होते हैं डिफरेंट या सिस्टम तो अब ऑफ जीन्स क्या होते हैं एक्सप्रेस होते हैं जब वो एक्सप्रेस होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्गन को डिवेलप कर देते हैं ठीक है जिस तरह एक्टोडर्म है ये क्या बनाते हैं हमारे स्किन को बनाते हैं ठीक है या परम्पल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं तो इसके लिए जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या करते हैं डिवेलप uh, है, कर, कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं आर्गेनोजेनेसिस कहते हैं अब लास्ट uh, में जो है फिर मेटामोरफोसिस होता है तो मेटामोरफोसिस जो है इसमें क्या होता है कि रेपिड uh, फिजिकल चेंज बॉडी में आती है यानी आफ्टर बर्थ जो है मोस्ट कुछ कुछ केसेस में जो है आफ्टर बर्थ भी जो है ये प्रोसेस जो है मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि फॉर जब एक से जो है लार्वा डेवलप होता है तो इसमें क्या होता है कि रैपिड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आना स्टार्ट हो जाती हैं अब ये मेटामॉर्फोसिस जो है ये हमारे पास टू टाइप्स का हो, आ, आ, जाता है जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस ये दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है अच्छा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो है ये जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो एक कंप्लीट साइकिल से पास होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक जो है ये पहले लार्वा में डिवेलप हो जाते हैं लार्वे जो है फिर फर्दर प्यूपा में डिवेलप हो जाते हैं और प्यूपा जो है फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डिवेलप हो जाता है तो ये जो है जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, ये इन डेवलपमेंटल स्टेजेस से जो है वो आ, पास पास के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेलप हो जाता है तो इस वजह से इसको कंप्लीट मेटामोसिस कहते हैं अब जो सेकंड टाइप है उसको हम कहते हैं इसको इनकम्प्लीट इस वजह से कहते हैं कि जो एग्स हैं ये लार्वा या प्यूपा स्टेज से पास नहीं होते बल्कि एग्स जो हैं ये फिर क्या होते हैं नेफ में या जो इमेचोर जो ऑर्गेनिज्म होता है या जो फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट है इधर ना वो क्या होता है या इवन ये जो वगैरह होते हैं वो भी जो हैं उनकी जब एग्स की होती है तो इससे क्या होते है? नेम्स होते हैं हैं डेवलप और वो क्या होते हैं एमचोर होते हैं नेम्स और नेम्स पर डायरेक्टली एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं ठीक है यानी इसमें लार्वा या प्यूपा इस तरह के स्टेजेस एब्सेंट होते हैं तो नेम्स जो है वो डायरेक्टली ही क्या होते हैं एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं ठीक है तो इस बेस पे इसको क्या कहते हैं इनकम्प्लीट मेटा मॉर्फोसिस इनको कहते हैं ओके स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर